So, आप लोगों का क्रिसमस कैसा रहा? I'm sure अच्छा ही रहा होगा। बस कुछ ही दिनों में साल 2023 खत्म हो जाएगा और अब साल 2024 का इंतजार कर रहे हैं लोग। नई उमंग और नए उत्साह के साथ नए साल की खुमारी अब छाने लगी है। लोग अभी से ही घूमने का प्लान कर रहे हैं एंड आई एम श्योर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ प्लान जरूर होगा। अक्सर लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिल स्टेशनों पर या फिर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर करते हैं। हर कोई क्रिसमस और नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको कई तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। जश्न में कोरोना से बचाव को लेकर जरा सा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस खतरे को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट सभी लोगों से नए साल के जश्न के दौरान सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि इस नए वेरिएंट से 63 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाके में इस वेरिएंट के फैलने की आशंका और भी ज्यादा। जिस तरह से लोग पहाड़ी इलाकों में मजे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इससे कोरोना का विस्फोट हो सकता है। बता दें कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ हिमाचल में जुट रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के शिमला में पिछले 72 घंटे में लगभग 55,000 से भी ज्यादा गाड़ियां यहां पर आई हैं। वहीं यहां से 12,000 से भी ज्यादा गाड़ियां गुजर चुकी हैं और ऐसे में यहां भीड़ आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकती है। बता दें कि साल 2022 में भी जब कोरोना लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी, इसके तुरंत बाद ही भारी तादाद में पर्यटक पहुंच गए थे, जिसके बाद लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए थे। दूसरी लहर के बाद हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बार JN.1 वेरिएंट के केस तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।